अमित तिवारी, पहले आपके पास आ रही हूं। अमित तिवारी दोषी नहीं ठहराए गए हैं, लेकिन इस वक्त तो बयानबाजी आपकी पार्टी से ऐसे हो रही है कि कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दे दिया हो। हमने नहीं कहा कि दोषी करार, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि इनकी संलिप्तता है और यह स्पष्ट है कि केजरीवाल जी भ्रष्ट है। हमारा काम है आरोप लगाना, कोर्ट का काम है तय करना। हमने आरोप लगाया है क्योंकि हमारे पास इस प्रकार की जानकारियां थी कि हाँ ये संलिप्त है और इन्होंने ही इस पूरे प्रकरण में इनका रोल पाया जाता है। प्राइमा फेसाई कभी भी क्या होता है, जैसे संजय सिंह जी की जमानत हुई, संजय सिंह जी का रोल बिल्कुल डिफरेंट था। उनका ना तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन से कुछ लेना देना था, ना यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन गोवा था। उनका रोल इतना था कि उन्होंने दिनेश अरोड़ा और कंपनी की बैठक कराई थी और उसकी एवज में 2 करोड़ रुपए ले लिए और कुछ हिस्सेदारी उनसे ठेकेदारी में ले रहे थे। जब उनकी जांच पूरी हो गई, उनकी बेल हो गई, तो आम आदमी पार्टी ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि पूरा का पूरा मामला झूठा है। कोर्ट ने भी मान लिया कि मामला झूठा है, परंतु आज क्या कहेंगे? आज जब प्राइमा फेसाई कोर्ट ने ओपिनियन दे दिया और कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, 3 बातें कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कही है। पहली कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए जो षड्यंत्र हुआ कि पॉलिसी कैसी बनाई जाए कि व्यक्तिगत लोगों को लाभ हो, इंडिविजुअल कंपनीज को लाभ हो, जिससे कि हम उससे किकबैक ले सकें, इसमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन की कॉन्स्पिरेसी में केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत है कि ही वॉज इन्वॉल्व। दूसरा कि जो किकबैक्स मांगे गए 5% से 12% किए गए और 6% किकबैक मांगे गए, ईडी के पास इसके भी सबूत जांच में निकल कर आए हैं। ऐसी कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि हाँ केजरीवाल जी ने 6% का डिमांड किया। तीसरा जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ये जो अवैध धन कमाया गया इसका गोवा के चुनाव में यूटिलाइजेशन किया गया, इसमें भी केजरीवाल साहब साफ साफ इन्वॉल्व हैं, ऐसे सबूत ईडी के पास हैं। इन 3 बातों से कोर्ट के प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट हो जाता है कि इस पूरे शराब घोटाले के सरगना मुखिया श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी हैं। और जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास ये लोग कर रहे थे, और मैं आपको इसमें भी बड़ी स्पष्टता से बता देता हूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, पहली बार इनकी सरकार कब बनी? 2015 में पूर्ण बहुमत से 67 विधायकों की। 2015 से 2022 तक कभी भी इनके किसी विधायक, किसी सांसद या स्वयं केजरीवाल साहब ने यह आरोप नहीं लगाया कि हमारी सरकार के हमारे विधायकों को खरीदा जाने का प्रयास किया जा रहा है और हमारी सरकार गिराने का प्रयास किया जा रहा है। पहली बार ये आरोप कब लगा? पहली बार ये आरोप लगा 24 अगस्त 2022 को, जब संजय सिंह जी अपने 4 विधायकों के साथ बैठे, अजय दत्त, कुलदीप जी, सोमनाथ भारती और संजीव झा, और पहली बार उन्होंने आरोप लगाया कि इन 4 विधायकों को 20 से 25 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप पार्टी छोड़ दो। ये ऐसा क्यों हुआ? क्या यह महज एक संयोग था? नहीं, 24 अगस्त को पहली बार आरोप इसलिए लगा क्योंकि 17 अगस्त को सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर की थी और 22 अगस्त को ईडी ने केस रजिस्टर किया था पीएमएलए का। तो जैसे ही केस रजिस्टर हुआ, इनको लगने लग गया कि अब तो सबूत सामने आएंगे, जांच होगी, तो पहले ही रोना शुरू कर दो और राग लापना शुरू कर दो। कार्रवाई भी तो फिर चुनाव के आसपास ही होनी शुरू हुई ना, पहले विधानसभा चुनाव, अब ठीक यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तारी, यही तो कह रहे हैं ना विपक्ष, यही कह रहा, आम आदमी पार्टी कह रही है, राजनीतिक षड्यंत्र है ये। आप चाहते हैं कि दिल्ली पंजाब की प्रचंड बहुमत वाली सरकार गिर जाए। मैं गिरफ्तारी के विषय में बता देता हूँ, पहला सम्मन अरविंद केजरीवाल जी को कब आया था? अक्टूबर 2023 में। क्यों नहीं गए? ये तो प्रेम पत्र लिखते रहे कि मुझे सवाल दीजिए, आप मुझे किस हैसियत से बुला रहे हैं। 9 सम्मन्स लगा, अगले पहले ही चले गए होते, जांच पूरी हुई होती, हो सकता है गिरफ्तारी की आवश्यकता ना पड़ती, पर 9 सम्मन वॉयलेट किए और 9 सम्मन में जब ये कोर्ट गए और जब कोर्ट ने इनको रिलीफ देने से मना कर दिया कि हम कोई इंटरिम रिलीफ नहीं देंगे, तब जाके ईडी ने गिरफ्तार किया है। और आज हाई कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया है कि चुनाव का इस जांच से कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी आपसी मेल नहीं है। तो यह स्थिति तो केजरीवाल स्वयं साहब ने स्वयं उत्पन्न की थी। अगर वो पहले 9 सम्मन ठीक है, गणेंद्र भारद्वाज ठीक है, गणेंद्र भारद्वाज, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कल क्लियर कर दिया, पर्याप्त सबूत हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास।